हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अंजलि झा। आज मैं लेकर आई हूँ मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, तो चलिए घर पे बनाएंगे आज पके पके आमों से मैंगो आइसक्रीम। अभी बहुत अच्छे वाले आम आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 मैंगोज लिए हैं। इसे मैंने कट कर लिया है, इसके सारे हम पल्प निकाल लेंगे। तो मैंने 3 आम के सारे पल्प निकाल लिए हैं। बहुत ही पके आम आ रहे हैं, बहुत ही मीठे आम आ रहे हैं अभी। तो इस तरह से मैंने सारे पल्प निकाल लिए हैं मैंगोज़ के। अब हमें इन्हें ग्राइंड करना है, तो इसकी एक मैंगो प्यूरी तैयार करेंगे हम। तो इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, चंक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तो अच्छे से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिए व्हिपिंग क्रीम, ये बिल्कुल ठंडी थी। चलिए इसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें पीक्स आने चाहिए, बहुत हल्की हो चुकी है अब ये। चलिए अब इसमें ऐड करते हैं कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पे मैंने करीब 3 बड़े चम्मच से कंडेंस मिल्क ऐड किया है। यहाँ पे ऐड किए मैंने 1/2 कटोरी पिसी हुई चीनी। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी। तो चलिए अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे, देखिए आम बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रीम में मिल चुका है। इसे मिलाने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी फूड कलर। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी मिक्स कर लिया है। बस ये तैयार है अभी। अभी हम इसे ट्रे में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है, जिसमें मैं केक बनाती हूँ। मैंने इसमें ही डाल दिया है, आप किसी भी लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मैंने पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है मैंगो आइसक्रीम का मिक्सचर। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए, या 8 से 10 घंटे के लिए। आइसक्रीम हमारी जम चुकी है, ये देखिए कितनी क्रीमी टेक्सचर आ रही है इसमें। चलिए तो हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है, क्रीमी सी मैंगो आइसक्रीम। बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।